हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ कोलकाता में तो बहुत बारिश हो रही है अभी, एंड अभी शाम के वक्त हम लोग शीरो को लेके के गए थे बाहर बारिश दिखाने के लिए, बट उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है बारिश देखने में। शीरो को सिर्फ और सिर्फ अपनी बदमाशियों में और खाने में इंटरेस्ट है, और किसी चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं आता है। सो गाइस, कल जो है शीरो के मम्मा का बर्थडे है, और शीरो के पापा एंड बाकी सब लोग उसकी प्लानिंग में बिजी है, और हम दोनों को इस रूम में बंद कर दिया है। तो हमने सोचा हम क्या करें, तो हमने सोचा हम एक वीडियो ही बना लेते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हमने शीरो के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आज डिलीवर हो गए हैं। हमने सोचा वो सारे प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं, एंड शीरो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सब खोलने में और देखने में कि क्या आया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप सब बने रहिएगा हमारे साथ देखने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। सो गाइस, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये शैम्पू। दिस इज हग एंड वैग टियरलेस पपी शैम्पू। सो इस शैम्पू से हम शीरो को पहली बार नहलाने वाले हैं। इसको कभी भी अभी तक हमने नहलाया नहीं है, एंड दिस शैम्पू वॉज सजेस्टेड बाई हिज वेट। सो हमने ये शैम्पू ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। ये फर्स्ट बॉटल है जो कि 200 ml का बॉटल हमने लिया है, और ये हमने लिया है amazon.in से। एंड जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है उसके लिए कुछ नए टॉयज, बिकॉज ईजिली यू नो शिट्जूज जो है बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं टॉयज से। वो कुछ दिन तक ही अपने टॉयज खेलते हैं और उसके बाद वो बोर हो जाते हैं। तो दिस वॉज अ सेट ऑफ 3 टॉयज जो हमने लिया है, एंड अभी हम उसको नहीं देने वाले हैं। वो कुछ दिन तक अभी जिससे खेल रहा है वो उससे खेलेगा, एंड देन विल गिव इट टू हिम 1 by 1। गाइस, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ब्रश। दिस इज सेल्फ क्लीनिंग हेयर रिमूवल ब्रश, बिकॉज जो भी डीमैटिंग होता है उसके वजह से हेयर लॉस होता है, तो उसके लिए हमने ये ब्रश ऑर्डर किया है, सो दैट हम उसे ईजिली ब्रश ऑफ कर सकते हैं, एंड वो इसी में कलेक्ट हो जाएंगे, एंड ईजिली ये हम क्लीन भी कर सकते हैं। गाइस, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस। दिस इज़ अ नेल क्लिपर, एंड विच इंक्लूड्स अ नेल फाइल एज वेल। ये नेल क्लिपर जो है हम अभी के लिए यूज़ नहीं करने वाले हैं, बिकॉज पपीज़ के नेल्स के अंदर भी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेन्स होते हैं, सो उसको कट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सो एक बार हम अपने वेट के पास लेके जाएंगे एंड उनसे देख लेंगे कि कहाँ तक उनके नेल्स को काटना है, उसके बाद ही हम यूज़ करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम उसके वेट ने ही हमें सजेस्ट किया था कि आप नेल फाइल से उसके नेल्स को फाइल कर सकते हैं, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गया है, एंड उससे जो है स्क्रैचेस वगैरह लगने के बहुत डर है। इसी वजह से हम सिर्फ इस नेल फाइल से हम उसके नेल्स को एक बार फाइल करने वाले हैं। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव ऑर्डर्ड इज अ डॉग हार्नेस एंड लीश। सो ये जो है हम यूज़ करने वाले हैं, कभी उसको बाहर लेके जाएंगे तो शीरो को हम ये पहना के लेके जाएंगे, एंड दिस इज़ ऑल्सो एडजस्टेबल। तो आप पपीज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस पेट वाइप्स। शीरो इज़ वेरी एक्साइटेड सीइंग दिस, नॉट एक्साइटेड बट शायद शीरो को गुस्सा आ रहा है, बिकॉज शीरो को क्लीनिंग कराना बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड इस वाइप्स को देखते ही उसको गुस्सा आ जाता है और उसने आक्रमण चालू कर दिया है इस पर। दिस इज़ फ्रॉम पेट सॉफ्ट पेट वाइप्स, एंड दिस रिमूव्स डर्ट एंड लीव्स कोट शाइनी एंड क्लीन। सो हमने ये सारे प्रोडक्ट्स जो है अमेजन से ऑर्डर किए हैं, एंड ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड एक और बात जो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो है हमने अपने वेट से कंसल्ट करके ही लिए हैं, और आप भी जो है अपने वेट से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। हम कोई भी प्रोडक्ट जो है प्रमोट नहीं कर रहे हैं, एंड ये सारे प्रोडक्ट्स जो है हम एक बार यूज़ कर लेंगे, उसके बाद उसका एक डिटेल्ड रिव्यू का भी वीडियो मैं ज़रूर से बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने जो है शीरो के लिए कुछ स्टफ तैयार किया है खुद अपने हाथों से घर पे। कुछ कपड़े जो है घर पे थे जो कि यूज़ नहीं होते हैं, उससे जो है मैंने शीरो के लिए ये प्रिपेयर किया है। दिस इज़ अ क्यूट बो। दिस शीरो, दिस इज़ अनदर वन, बट ये काफ़ी बड़ा हो गया है, सो ये मैं बाद में यूज़ करूँगी। दिस
इज गोल्डन बो जो उसके लिए बनाया है मैंने, एंड दिस इज वन टाई ये भी इसके लिए बनाया है, एंड एक और टाई है, ये दो टाई बनाया है उसके लिए एंड दो बो बनाया है। देखते हैं शिरो इसको पहन के कैसा लगता है। See guys, this is how Shiro looks in this tie. Oh my god, a complete gentleman. Shiro. Guys, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, so ये अभी शिरो हम नहीं पहनाएंगे, बाद में ही पहनाएंगे। Guys, देखिए शिरो टाई पहन के कितना क्यूट लग रहा है मेरा बेटा। कल कौन से पहनेगा मामा के बर्थडे पे, टाई या वो? कल जो है शिरो बहुत अच्छे से तैयार होगा मम्मा के बर्थडे पार्टी में। सो अभी देखते हैं कल जो है क्या क्या होता है, सब लोग बहुत प्लानिंग में लगे हुए हैं एंड हम सब देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है। ये सब का वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ और आप सबके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। सो देखते रहिए ये वीडियो एंड तक। Thank you.
टाटा। ठीक है।